हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर यानी कि PE एजुकेटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है यश मांडे और आप आ चुके हैं अपने फेवरेट चैनल पर जिसको आपको PE पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारा चैप्टर चल रहा था टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 11, जिसमें हमने हमारे 4 वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं। आज आखिरी वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर। 4 वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिन्होंने नहीं देखा जो डायरेक्टली 5th पे है प्लीज़ जाके हमारे 4 वीडियोस देख लीजिए। पहले में हमने डिफाइन किया था, सेकंड में हमने इंपॉर्टेंस किया था, थर्ड में हमने BMI और हिप रेशियो को कैलकुलेट किया था, फोर्थ में हमने सोमैटो टाइप्स किया था। सबको याद है सोमैटो टाइप्स क्या होता है? विलियम शेल्डन, ओके। सोमैटो टाइप्स जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको मिस आउट मत करना। और लास्ट टॉपिक जो कि हाँ आज के वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जिसका नाम है प्रोसीजर्स ऑफ एंथ्रोप्रोमैटिक मेजरमेंट, यानी कि हाइट, वेट, आर्म, लेग लेंथ एंड स्किन फोल्ड। आपके स्कूल में मेडिकल चेकअप होता है, उसमें ये सब चीज़ें होती है, तो उसको कैसे मेजर की जाती है वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। पहले तो हम लोग इसका मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोमेट्री का मतलब क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोज मीन्स मैन, एंथ्रोपोज मीन्स मैन एंड मीट्रॉन मीन्स मेजर, यानी कि मेजर ऑफ अ मैन। पूरा डेफिनेशन देखें, रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ अ ह्यूमन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर्सन का मेजरमेंट करना उसकी बॉडी का, उसको ही हम बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। इसमें एंथ्रोप्स का मतलब क्या होता है? मैन। मीट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजर, ठीक है। द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट टू असिस्ट इट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन फिजिकल वेरिएशंस, ओके। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं बॉडी मेजरमेंट स्टडी, यानी कि एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट देखें तो डेटा कलेक्टेड इनेबल्स टू नो द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज ओवरवेट, अंडरवेट, कंपैरिजन ऑफ हाइट एक्सेट्रा। ये जो डेटा कलेक्ट होता है, जब हम स्टडी करते हैं किसी की बॉडी के मेजरमेंट के साथ, जो डेटा कलेक्ट होता है उससे हमको क्या मिलता है कि एक बंदे की फिजिकल ग्रोथ कैसी है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी बॉडी में कुछ ओवरवेट, अंडरवेट जैसी कुछ प्रॉब्लम है, हाइट कम है, हाइट ज़्यादा है, कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, ये हमको उस डेटा से मिलता है जो हम लोग स्टडी करके निकालते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं जिसके बारे में हम देखेंगे, जिसको मेजर किया जाता है, जिससे हमारा डेटा पूरा एक बनता है, वो क्या क्या है? मेजरमेंट ऑफ हाइट, वेट, आर्म लेंथ, लेग लेंथ, स्किन फोल्ड, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन फोल्ड, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एक एक से। तो पहला आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ हाइट, प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ हाइट। पहला पॉइंट, मेजर्ड बाय स्टेडियोमीटर। देखिए दोस्तों, ये जो भी टॉपिक चल रहे हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया जाता है, हाइट, वेट, सब किससे, ये सब जो चीज़ें हैं उसको किससे मेजर किया जाता है। जैसे कि हाइट को मेजर किया जाता है स्टेडियोमीटर से, ठीक है। फ्लोर शुड बी एट हेड, आपको बोला था ना एकदम ऐसे सीधा खड़े रहो, फ्लोर को मतलब एकदम ऐसे खड़े रहो, एकदम कड़क बन के खड़े रहो, ऐसे ढीला डाला मत खड़े रहना, ठीक है। एकदम पैर को जो है वो एकदम दीवार से चिपका के रखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वन शुड स्टैंड विद बैक टू द हिट रूल, ठीक है, हाइट रूल। हमको एक बैक के साथ ही खड़े रहना, बैक मतलब विदाउट सपोर्ट नहीं खड़े रहना, एक सपोर्ट के साथ ही खड़े, ऑफकोर्स ये सपोर्ट होता ही है वैसे तो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, वन शुड रिमूव शूज, सॉक्स एंड जैकेट ऑफ हैवी क्लोथ्स इफ एनी, ठीक है। आपको अपने शूज, सॉक्स ये सब उतार देने होते, क्योंकि शूज़ की भी ऑफकोर्स एक हाइट होती है, थोड़ी सी हाइट आपकी बढ़ जाती है, लेकिन आपकी एक्चुअल हाइट अगर निकालनी है तो शूज, सॉक्स है, और जो अगर हैवी क्लॉथ्स है, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म में आपने देखा होगा, आपको स्कूल में मेडिकल चेकअप होता है तो एकदम लाइट ड्रेस होती है स्कूल की, तो आपको शूज़ और सॉक्स तो निकलवा देते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, आर्म्स एट साइड, नीज एट नीज एंड बैक स्ट्रेट, ठीक है। आर्म्स एकदम साइड में, जैसे आप इधर पोस्चर देख सकते हैं इमेज में, एकदम इजीली पोस्चर दिखाया हुआ कि आर्म्स कैसे हैं साइड में रखे हुए, नीज एकदम सीधे रखे हुए और बैक भी एकदम सीधी रखी हुई है, कि नीज स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, आर्म्स साइड में, मतलब आगे हाथ वाथ नहीं रखना है, सीधा इधर रखना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, हेड ब्रॉड शुड बी हॉरिजॉन्टल टू द हाइट रूल। हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, समझो ये है आपका मेजरमेंट का, तो आपका फेस एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका एकदम परफेक्ट हाइट आएगा। आपको कुछ भी ऐसे सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना है, सीधा एकदम सीधे खड़े रहना है, विथ हॉरिजॉन्टल ऑफ द हाइट रूल, ठीक है। हाइट रूल यानी कि ये जो पीछे वाइट डंडा दिख रहा है वो होता है हाइट रूल, ओके, जिसमें आपका मेजरमेंट दिखाता है कितने सेंटीमीटर का, कितने इंचेस का है। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट, में थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको ये याद रखना कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट था स्टेडियोमीटर, पर आपको इंस्ट्रूमेंट याद रखना, बाकी सब तो आपको पता ही, आप लोग 11th में आ गए हो, 10 साल आपने स्कूल में बिताए और स्कूल में ये सब तो हुआ ही होगा, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट, इसके भी बारे में आप जानते होंगे यार, ये तो सब अभी तो डे टू डे लाइफ में बच्चों को यही शौक है, अभी आप 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हो तो जिम विम जाते हो, तो ये चीज़ तो आपने रोज़ ही देखी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ते हैं।
वेइंग मशीन शुड बी प्लेस्ड ऑन द हार्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस. ये वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन को जो होता है वो हार्ड सरफेस पे रखना होता है, दलदल पे मत रख देना कभी, वरना आप उसके ऊपर खड़े होगे वो अंदर दब जाएगा बेचारा, ठीक है. तो वो वेटिंग जो जो वेटिंग मशीन है ना, उसको एक हार्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना है, ठीक है. ऑफकोर्स यार वर्टिकल सर्फेस पर रख नहीं सकते, उसको आप चिपका भी दोगे तो आप उसके ऊपर खड़े नहीं हो पाओगे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, वन शुड रिमूव हैवी क्लॉथ्स एंड शूज बिफोर टेकिंग द वेट. आपके शूज का भी कुछ 0.0 वेट होता होगा, आपके क्लोथ्स का भी कुछ 0.0 वेट होता. मैं ये नहीं कह रहा नंगे होके करवाओ अपना वेटिंग, अपना वेट नंगे होके करवाओ, ये मैं नहीं कह रहा. कुछ कुछ कॉम्पिटिशन में होता है भले ही, पर आप लोग को नॉर्मल अगर वेट निकालना तो अपने कपड़े नहीं उतारोगे, एकदम लाइट कपड़े पहने हो, सॉक्स और शूज निकाल के रखना, तभी आपका एकदम परफेक्ट वेट आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, वन शुड स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड बैलेंस. आपको अपना एक पाँव इधर एक पाँव इधर रख के खड़े नहीं होना, एकदम सेंटर में दोनों पाँव खड़े रख के खड़े रहना है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, चेक द बैलेंस ऑफ मशीन एंड पॉइंटर शुड बी एट जीरो. जब आप मेजरमेंट कर नहीं रहे हो, आपने देख पहले मेजरमेंट करने से पहले देखो कि ये वो पॉइंटर जीरो पे तो है ना, अगर वो पॉइंटर 2-3 पे है तो आपका वो वेट 2 या 3 ऊपर ही आएगा, तो डर मत जाना, हो मेरा 2-3 किलो बढ़ गया, मैं मोटा हो गया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है. आप लोग का अगर आपके वो जीरो पे नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब आपकी वेटिंग मशीन खराब है, दूसरे वेटिंग मशीन पे जाओ, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, एडजस्ट द पॉइंटर परफेक्टली. अपना वो जो पॉइंटर है उसके अंदर उसको एकदम परफेक्टली एडजस्ट करके रखना, ठीक है दोस्तों. काफ़ी इजी चीज़ थी ये दोनों चीज़ें, वेइंग मशीन और स्टेडियोमीटर, काफ़ी इजी था, आप लोगों ने पहले से पता है आपको, तो मैंने इतना इसमें डीप नहीं गया, पॉइंट टू पॉइंट समझाता गया बस. नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ आर्म लेंथ, ठीक है. मेजर्ड बाय फ्लैक्सीबल स्टील टेप. एक स्टील टेप होती है, उसके थ्रू मेजर किया जाता है. आपने देखा जब आप शॉपिंग करने के मतलब कपड़े सिलवाने जाते हो तो आपका अगर आजू बाजू से थोड़ा बड़ा होता है तो आप वो आपके हाथों का नाप लेता है ऐसे फोल्ड करके, एक टेप आती है, ठीक है, उसको आपके आर्म्स पे लगा के दिखाता है ऐसे. देखो मैं दिखाता हूँ, से आपका आर्म है, आपको कपड़ा थोड़ा इतना बड़ा आ गया तो आपके हाथ का इधर से मेजरमेंट लेगा एक टेप के थ्रू. एक टेप होती है, उसको ऐसे रोल कर देगा आपके आर्म्स के अराउंड और फिर वो मेजर ले लेगा, अच्छा भाई इतना इतना इसको काट देंगे, ठीक है. तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल स्टील टेप, ठीक है. नेक्स्ट हम देखें, द सब्जेक्ट स्टैंड विद द आर्म हैंगिंग लूजली बाय द साइड ऑफ द बॉडी फिगर फिंगर्स आउटस्ट्रेच्ड. ओके, जब आप अगर ये सब करवा रहे हो तो आपके देखो पॉस्चर एकदम ऐसा होना चाहिए जैसे इसमें एल शेप दिखा रखा है, एकदम परपेंडिकुलर. ओके, अ मेजरमेंट इज द मेड फ्रॉम द टिप ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, बोनी टिप ऑफ शोल्डर बोन कैप्यूला. जैसे कि इस इमेज में दिखा रहा है, मैं इस इमेज को जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये कैप्यूला से ही होना चाहिए. आगे हम देखें, एंड एक्सटेंडेड टू द टिप ऑफ द ओक्यूलर प्रोसेस बोनी पार्ट ऑफ आउटर एल्बो. मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी इजी होगा ये ग्रंथ करना, ठीक है. बाकी जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं कर लो भाई कर लो, ठीक है. मेरे को बस आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं इस पे पूरे में, आर्म प्लेट आर्म लेंथ में. एक तो ये किससे मेजर किया जाता है, फ्लेक्सिबल स्टील टेप से मेजर किया जाता है, कब से, ये तो इजी है आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है. सेकंड आपको ये याद रखना है, ये एक्रोमियन प्रोसेस से लेके ऑक्रियन प्रोसेस तक चलता है, यानी कि बोनी टिप ऑफ शोल्डर से एल्बो तक का, ठीक है. देखो शोल्डर से एल्बो तक का मेजर किया जाता है, ये जो बोनी टिप है इसको ऊपर वाले को हम स्कैप्यूला बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को हम एल्बो ही बोलते हैं, ठीक है. तो स्कैप्यूला से लेके एल्बो तक का जो मेजरमेंट होता है उस तो, मतलब ऊपर से नीचे तक हम लोग मेजर करते हैं फ्लेक्सिबल टेप के थ्रू, तो आपका आता है आर्म लेंथ. अगर इधर से इधर तक मेजर करोगे तो ही आपका आएगा आर्म लेंथ. ओके, इजी पीजी, आ गया समझ में, आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है. आगे हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेग लेंथ. अब पैर कैसे, अभी तो हमने आर्म देखा, अब लेग देखते हैं. आर्म को ऐसे देखते हैं, अब लैग ऐसे हो गया है, ठीक है. तो पॉइंट नंबर 1, मेजर्ड बाय फ्लेक्सिबल स्टील टेप फ्रॉम बॉटम आउटसाइड ऑफ द सेंटर ऑफ द फुट टू द अपर एज ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑटोनॉमिकल पार्ट ऑफ फीमर कनेक्टिंग टू द हिप बोन. द ट्रोकोमीटर आर पॉइंट्स एट द विच हिप एंड थाई मसल्स अटैच. द ग्रेटर ट्रोकोमीटर गिव्स द अटैचमेंट टू अ नंबर ऑफ मसल्स, ठीक है. तो इसमें ट्रोकेंटर के बारे में भी बताया कि ट्रोकेंटर होता क्या है. ट्रोकेंटर होता है एक्चुअली दोस्तों जो थाइस को और आपकी हिप्स को, एक मसल होता है जो थाइस को और हिप्स को ज्वाइंट करके रखता है, ठीक है. थाइस की मसल्स को और हिप की मसल्स को ज्वाइंट करके रखता है. जितना बड़ा ट्रोकोमीटर होगा उतना ही ज़्यादा अटैचमेंट ऑफ मसल्स होगी, क्योंकि ट्रोकोकेंटर पे ज़्यादा मसल्स अटैच रहती है, ठीक है. तो लेग लेंथ किससे मेजर की जाती है, फ्लेक्सिबल स्टील शेप से मेजर की जाती है, फ्रॉम द बॉटम
फ्रॉम बॉटम आउटसाइड ऑफ द सेंटर ऑफ फुट फुट टू द अपर एज ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ट्रोकेंटर यहाँ पे ठीक है, जो हिप को और थाइस को जॉइंट करती है, हिप थाई को जॉइंट करती है ठीक है। काफी इजी प्रोसीजर मेजर फॉर ऑफ अपर लेग लेंथ, द सब्जेक्ट इज मेड टू सिट ऑन द बॉक्स विद द राइट नी बेंट एट 90 डिग्री सिटिंग अप स्ट्रेट, प्लेस जीरो एट द इंजुगल क्रीज बिटवीन द टॉर्सो एंड द हाई थाई टॉर्सो एंड थाई जस्ट बिलो द एंटीरियर सुपीरियर इलेंग स्पाइन, द एंटीरियर सुपीरियर इलेंग स्पाइन इज लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द हिप ऑन आइदर साइड, लिफ्ट द थाई स्लाइटली ऑफ द बॉक्स एंड एक्सटेंड द टेप ऑफ द प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ पैटेला। तो समझ आया मेरे को, आ गया ठीक है। तो देखो दोस्तों कुछ ऐसे पोस्चर में आपको बैठना है, बॉक्स के ऊपर ऐसे बैठना है ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से समझाऊँ, ध्यान से सुनना ठीक है, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ था, एकदम 90 डिग्री बना नहीं, देखो 90 डिग्री बन गया, तो 90 डिग्री बना के बैठना है आपको एक बॉक्स के ऊपर किसी के ऊपर, पर 90 डिग्री बनाना है ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, सिटिंग ऑन द स्ट्रेट प्लेस जीरो एट इंग्यूअल क्रीज, इंग्यूअल क्रीज के ऊपर जीरो प्लेस कर दो, देखिए इंग्यूअल क्रीज ये रहा, ये पॉइंट लिखा हुआ है इंग्यूअल क्रीज, यहाँ पे आपको जीरो पॉइंट कर देना है। फिर आगे लिखा है क्रीज बिटवीन द टॉर्सो एंड द थाई, हाँ एकदम अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे टॉर्सो तो हमारा और यहाँ पे थाई है सॉरी ठीक है, टॉर्सो और थाई, थाई और टॉर्सो के बीच में है ये पॉइंट ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, जस्ट बिलो द एंटीरियर एंटीरियर सुपीरियर इलेंग स्पाइन, इलेंग स्पाइन के एंटीरियर और सुपीरियर साइड ओके ठीक है। फिर आगे हमारा द एंटीरियर सुपीरियर इलेंग स्पाइन इज लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द हिप ऑन आइदर साइड, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ASIS ना, हाँ ASIS ओके ASI हमारा हिप के आउट फ्रंट साइड प्रेजेंट होता है ठीक है। फिर है लिफ्ट द थाई स्लाइटली ऑन द बॉक्स एंड एक्सटेंड द टेप ऑफ प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ पैटेला ठीक है। फिर अपना पैर को धीरे धीरे आगे करो और ये जो है वो खींचेगा, और ये जैसे ही खींचेगा आपकी जो ब्लैक की लेंथ है, जैसे आप एकदम ऐसे, मैं एकदम अच्छे से समझाऊँ यार, ये ऐसे बैठे आप ठीक है, आप ये जो है इसको स्ट्रेच करोगे ऊपर तो ऑफकोर्स आपका पूरा लेंथ आ जाएगा, क्योंकि आपने स्टार्ट तो यहाँ से किया, तो यहाँ से यहाँ तक का तो लेंथ आ ही जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ आएगा। जैसे आपने कुछ बांध रखा है रबड़ बैंड आपने पैर, चलो एक काम करो आपके रबड़ बैंड को इधर से बांधो, इधर से आपके पैर पे एक कील घुसा दो ठीक है, उस कील के ऊपर डाल, अरे भाई एक्सपेरिमेंट मत कर देना ठीक है, मजाक में बोल रहा हूँ, पैर में आपने कील घुसा दी ठीक है, तो अंगूठे से लेके कील तक आपने वो रबड़ बैंड लगाया, पैर को जरा खींचो, पैर वो रबड़ बैंड पूरा खींच जाएगा, जिससे आपके वो पूरी इधर से इधर तक का मेजरमेंट, हाँ भाई इतना रबड़ खींच गया ओके इतना मैं नाप लेता हूँ ठीक है। ये तो एक रबड़ बैंड था, ऐसी स्केल टेप होती है, वो स्केल टेप को अगर आप ऐसे करोगे ना, खींचोगे अपने पैर को ऊपर पैटेला से, तो आपकी पूरी एक लेग लेंथ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से समझ आ गया हो यार, अब तो काफ़ी अच्छे से समझा दिया मैंने ठीक है। अब आता है हमारा मेन पॉइंट जो कि है स्किन फोल्ड, मेजरमेंट ऑफ स्किन फोल्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी लंबा चौड़ा भी है अभी स्किन फोल्ड, दो तीन पाँच छः PDF का होगा ठीक है। स्किन फोल्ड मेजर्स फॉर बॉडी कंपोजिशन एंड बॉडी फैट असेसमेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं बॉडी फैट पता आता है कि आपकी बॉडी में कितना फैट है ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द स्किन फोल्ड एस्टिमेशन मेथड्स आर बेस्ड ऑन द स्किन फोल्ड टेस्ट, ऑल्सो नोन एज पिंच टेस्ट, पिंच करता है आपको चुटकी, आपको चुटकी भी तो ऐसे चुटकी बोलता हूँ, पिंच मतलब पिंचिंग, आपको ऐसे मतलब आपको दो मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे ये मशीन के बिना भी आपका अगर हाथ होता है ऐसे चुटकी होता ना, अरे मेरा सपना तो नहीं देख रहा, जरा मेरे को चुटकी काटना, ले काटी, ओह सपना नहीं है ठीक है, वो वाली चुटकी ठीक है। वेयर बाय पिंच ऑफ स्किन इज प्रिसाइसली मेजर्ड बाय कैपिलरी कैपिलर्स एट सेवरल स्टैंडर्डाइज पॉइंट ऑफ बॉडी टू डिटरमाइन द सब्स्टिट्यूएंट फैट लेयर थिकनेस, एक मशीन होती जो कि है कैलिपर्स से मेजर किया जाता है ठीक है, आपकी बॉडी में कितना फैट है ठीक है। द सबक्यूटेनियस टिश्यू इज द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, इट इज प्राइमरी मेड अप ऑफ फैट दैट हेल्प्स इंसुलेट योर बॉडी ठीक है। आपकी ये अब जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये क्या होता है, ये आपकी इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन होती है जो कि प्राइमरी फैट में जो फैट से बनी होती है और आपकी बॉडी को इंसुलेट करती है ठीक है। आगे देखें तो हम मेजरमेंट ऑफ स्किन फोल्ड में प्रोसीजर क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ बॉडी फैट बाय स्किन फोल्ड थिकनेस मेजरमेंट, मेजरमेंट कैन यूज फॉर फ्रॉम 3 to 9 डिफरेंट स्टैंडर्ड एटॉमिकल साइट्स अराउंड द बॉडी, द टेस्टर पिंचेस ऑफ द स्किन एट अप्रोप्रिएट साइट टू रेज अ डबल लेयर ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग एडिपोज टिश्यू बट नॉट द मसल, द कैलिपर्स आर देन अप्लाइड 1 centimeter बिलो एंड एट राइट एंगल टू पिंच एट अ रीडिंग मिलीमीटर्स टेकन 2 seconds later।
तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब आपकी जो मेजरमेंट है वो 3 से 9 डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिकल साइट्स पे होती है, मतलब अलग अलग 3 से 9 आपकी डिफरेंट डिफरेंट जगह होती है जहाँ पे इसको इसको यूज़ करके आपके फैट को बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितना फैट है इस जगह पे। ठीक है, ये पिंच करते हैं मतलब आपको थोड़ा जैसे चुटकी काटते थोड़ा दर्द सा होता है कि हाँ भाई भाई थोड़ा चुटकी थोड़ा होता है, लेकिन आपको एकदम परफेक्ट फैट निकाल देता है कि आपकी बॉडी में कितना परफेक्ट कितना फैट है। कैलीपर जो होता है वो अप्लाइड होता है 1 सेंटीमीटर बिलो एट द राइट एंगल टू द पिंच, 1 सेंटीमीटर बिलो होता है और राइट एंगल होता है, और एंड द रीडिंग इज इन मिलीमीटर्स, और इसकी जो रीडिंग होती है वो सेंटीमीटर मीटर में नहीं होती, इसकी रीडिंग होती है मिलीमीटर्स में जो कि 2 सेकंड बाद निकाली जाती है। इक्विपमेंट स्किन फोल्ड कैलीपर्स, इसके लिए क्या आपको चाहिए होता है, स्किन फोल्ड कैलीपर्स चाहिए होता है। ठीक है, आगे देखिए तो हम प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्किन फोल्ड, ये देखिए कुछ ऐसा होता है आपका ये जो सबक्यूटेनस टिश्यू है वो देखो ऐसे दब जाता है जिसके कारण आपका जो फैट है वो एकदम बताता है या कि नॉर्मल है, इधर आपका कोई फैट नहीं है, इधर आपका फैट इसके लिए ऊपर आ गया। ठीक है, जैसे कि आप अपना थाइज में देखो कि थाइज में थोड़ा कम फैट होता है, लेकिन अगर आप अपनी हाथ की स्किन देखो तो इधर मतलब हाथ के जो इधर जो अंडर आर्म होता है अंडर आर्म के नीचे आप थोड़ा देखोगे ना वो ऐसे हाथ में आ जाता है पूरा, वो क्यों आ जाता है क्योंकि वहाँ पर आपका थोड़ा फैट प्रेजेंट होता है। ये अभी कौन सी साइट में देख बता देता हूँ, देर आर मेनी कॉमन साइट्स एट विच द स्किन फोल्ड पिंचेस कैन टेकन, द 5 मेन स्किन फोल्ड साइट्स आर ट्राइसेप्स, वही जगह जो मैंने बताई थी। ठीक है, सब कैप्यूला, सब स्कैप्यूला, स्कब रुलिका, एब्डोमेन एंड थाई। ठीक है, ये कुछ 5 जगह है जहाँ पे आपकी ये जो स्किन फोल्ड है वो पाई जाती है। थाई आप सभी को पता है, ट्राइकैप्स आपको सभी को पता है, इन सब का जानने का मतलब आपको कुछ नहीं है पी में, आपको बस याद करना है। ठीक है, फॉर द एक्यूरेट एथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट द मार्किंग शुड बी डन। ठीक है, अगर आपको एकदम एक्यूरेट एप्रोक्रेटिक मेजरमेंट चाहिए तो मार्किंग जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक एक देखते हैं, ट्राइसेप स्किन फोल्ड, अभी मैंने 5 का मतलब बताया था, अभी 5 का एकदम अच्छे से आपको मतलब बताता हूँ। ट्राइसेप स्किन फोल्ड, ठीक है, ट्राइसेप्स बात है यही जगह मैंने बताई थी अभी अंडरआर्म के नीचे। ठीक है, वर्टिकल फोल्ड होना चाहिए, लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर मिडलाइन ऑफ द अंडरआर्म अपर आर्म, मेजर हाफ अवे बिटवीन द क्या लिखा है, मेजर हाफ अवे बिटवीन द एक्रोमियन बोनी पार्ट ऑफ शोल्डर, याद है एक्रोमियन, स्कैप्टुला एंड ऑक्यूलन प्रोसेस बोनी पार्ट ऑफ आउटर एल्बो, ये याद है अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, आर्म लेंथ में, आर्म हेल्ड फ्रीली टू द साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, काफी इजी यहाँ का निकालना होता है स्किन फोल्ड। अगला आता है स्कब कैप्सूला स्किन फोल्ड, पिक्चर में जरा देख के बताना आपको क्या लग रहा है, वीडियो को पॉज करके ये सोचिए और जाते ही सीधा कमेंट कर दीजिए, कर दिया कमेंट। अब मैं बताता हूँ ये है क्या, भाई गलत सलत मत समझा करो, ये कुछ और नहीं है, या कि पीट है पीट, समझे, गलत गलत कमेंट लिख दिए होंगे अभी तक आप लोगों ने तो। ठीक है, डायगनल फोल्ड क्या जाता है, इसमें से हॉरिजॉन्टल फोल्ड क्या है, इसमें देखो डायगनल फोल्ड क्या है, इसमें स्ट्रेट वर्टिकल नहीं किया, इसमें डायगनली फोल्ड करते हैं, लोकेटेड 1-2 सेंटीमीटर बिलो द इन्फीरियर एंगल ऑफ कैप्यूला द बॉटम ऑफ द शोल्डर ब्लेड, यहाँ पे लिखा भी था जिन्होंने देख के बोल दिया यार वो अच्छे बच्चे हैं, वरना मैं तो बिगड़े हुए बच्चों की बात कर रहा था। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं सुपर स्किन फोल्ड, वाओ यार वाओ वाओ वाओ, डायगनल फोल्ड होता है इसमें भी सीधा मेढा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, इसमें डायगनल होता है। ठीक है, लोकेटेड 1 सेंटीमीटर अबव द एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट क्रेस्ट टॉप टू द हिप बोन, हिप बोन के थोड़ा ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर इसको मेजर किया जाता है। लोकेटिंग दिस लैंडमार्क मे रिक्वायर यू टू पोक फर्मली थ्रू थिक सबक्यूटेनस लेयर टू द फैट टू फाइंड द बोन अंडरमेट, इससे आपको थोड़ी गुदगुदी भी हो सकती है, इस जगह पे ये करने थ्रू आपको गुदगुदी भी हो सकती है थोड़ी। ठीक है, अब जो आता है हमारा एब्डोमेन, एब्डोमेन ओके वर्टिकल, इसको वर्टिकल नापा जाता है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर टू द राइट साइड ऑफ द यूबिक्यूलारिस यूबिक्यूलस, हॉरिजॉन्टल फोल्ड 2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द अम्बिक्यूलस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा थाई आता है अगला, वर्टिकल फोल्ड होता है इसमें, एंटीरियर मिडलाइन टू द थाई, एंटीरियर मिडलाइन टू द थाई, मिडवे बिटवीन द प्रॉक्सिमल बॉर्डर टू द प्लेटिला एंड द इग्नियल क्रीज, भाई कॉमर्स वाले बच्चे सोच रहे होंगे ये चैप्टर मैं स्किप ही कर देता हूँ, मैं चाहे कितने भी मार्क्स आए लेकिन ये चैप्टर नहीं पढ़ के जाऊँगा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन कोई बात यार इतना मत पढ़ो, मैं भी बोलता हूँ यार फालतू का होता है इतना सारा। ठीक है, ये चैप्टर में बहुत ही बकवास की हुई है यार, कुछ नहीं है चैप्टर में, फालतू का टाइम पास किया है, इसका इतना पता नहीं क्या जरूरत है यार, हमको थोड़ी ना अपना वापना है। हाँ यार इतनी बकवास करे, लेकिन क्या करें यार, पढ़ना पड़ता है, CBSE है, गुजरात बोर्ड, बाकी अगेरा अगेरा बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है, राजस्थान बोर्ड, चेन्नई बोर्ड भी होता होगा पता नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो थे काफ़ी इजी थे, काफ़ी मज़ेदार थे और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी थे कि भाई कहाँ से कहाँ तक मेजर करना है, किसको कहाँ से कहाँ मेजर करना है, तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ। इसका मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये लगा मेरे को,
सोमैटोटाइप सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगा। ठीक है तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। यार काफी बड़ा वीडियो हो गया होगा, ठीक है कितने मिनट का हो गया, 20 मिनट का वीडियो हो गया यार, काफी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, समझाना भी बहुत जरूरी था, जिसको पढ़ के जाना है वो पढ़ के जाइए, जिसको नहीं पढ़ना वो भगवान भरोसे जाइए। ठीक है तो दोस्तों अगली वीडियो में हम ला रहे हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन, प्लस आपको एक रिवीजन सेक्शन भी मिल जाएगा इसी पूरे चैप्टर के फ्लो चार्ट के थ्रू, और आपका क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो आ रहा है अगला वीडियो। और दोस्तों आप सभी को एक और बात बता दूं, दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन पूछा था योगा चैप्टर में, जिसमें से बच्चों के जवाब आए हैं 2-3 बच्चों के, तो उनका शाउट आउट होने वाला है 2 वीडियोस के बाद। अभी ये वीडियो खत्म हो गया, इसके बाद आने वाला है हमारा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद आ रहा है हमारा जो कि हमने पहले किया था कमेंट रीडिंग सेक्शन वाला वीडियो। ठीक है तो उसमें वो बच्चों का शाउट आउट होगा, तो बच्चों ऐसा मत सोचना कि आपका मैं नाम नहीं ले रहा, मैं जल्दी आपका नाम लेने वाला हूँ, आपका शाउट आउट होगा उस वीडियो में, आपके चैनल को सब्सक्राइब किया जाएगा, आपकी वीडियोस को लाइक किया जाएगा अगर आपकी कोई वीडियो और चैनल है तो। ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों। काफी मजा आ रही है मेरे को समझाने में चैप्टर, पर अब आखिरकार खत्म हो गया, मेरा गला खराब हो गया चैप्टर समझाते समझाते। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद हम लोग लाएंगे लाइव नहीं, क्योंकि आप लोग का अभी तक सपोर्ट आया नहीं इतना अच्छा, तो मैं लाइव जाऊं, अभी मैं सिर्फ करूंगा कमेंट रीडिंग सेक्शन लाइव, जब आप लोग की डिमांड आएगी सर लाइव आओ तब मैं सोच सकता हूं कि हाँ यार आई जाते, बच्चे की डिमांड आ रही लाइव आएगी। गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।